जनरली सर मतलब आप थोड़ा माइक पास रखो. यस प्यार प्यार आप बोलते हो लोग सर लोग मैं कब प्यार प्यार बोलता हूँ प्यार 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 इज इट पॉसिबल टू फाइंड ट्रू लव इन टुडेज वर्ल्ड. सर अंडरस्टैंडिंग इज इम्पॉर्टेंट. अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो ट्रू लव पॉसिबल भी नहीं है आज के दिन में. तो क्या अंडरस्टैंडिंग पॉसिबल है आज के टाइम में? सर अंडरस्टैंडिंग एक म्यूचुअल अगर हम समझाएं दूसरे को सही तरीके से तो सर हो सकता है. सर एक दूसरे को समझाएं या एक दूसरे को समझे? समझें और समझाएं सर, क्योंकि ऐसा नहीं कि हाँ हम सामने वाले को पढ़ लें कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उनको अपने थॉट्स बताने पड़ेंगे, उसकी वजह से उनको भी टाइम लगेगा हमें समझने के लिए. उनको देना पीछे माइक वो रेड रेड वाले. हाँ सर, पहले अंडरस्टैंडिंग भी होती है, सब सही रहता है, पर बाद में इंटरेस्ट कम हो जाता है धीरे धीरे. अगला पॉइंट है कि शुरू शुरू में तो बड़ा एक्साइटमेंट होता है, सब कुछ नया होता है, पहला प्यार होता है, उसके बाद में पहले से पुराना प्यार हो जाता है, सब कुछ बोरिंग हो जाता है, सब कुछ प्रेडिक्टेबल हो जाता है, और फिर वहां से लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाते हैं. नहीं ऐसा ही नहीं होता है. हाँ बोलो. सर आई जस्ट वांट टू से लाइक व्हाई दीज थिंग्स हैपेंस व्हेन पीपल से दैट इंटरेस्ट खत्म हो जाता है. आई थिंक इट हैपेंस बिकॉज आवर प्रायोरिटी इज नॉट लाइक बीइंग सेंसिटिव एंड लेटिंग गो. लाइक लव इज ऑल अबाउट बीइंग सेंसिटिव एंड लेटिंग गो, एंड लव इज ऑल अबाउट लॉयल्टी. सो द कोड ऑफ द लव इज लॉयल्टी. कोई पर्सन है वो पूरी लाइफ के लिए किसी एक के साथ में लॉयल है, तो जरूरी है कि उनके बीच में प्यार भी हो? नो. ऐसे बहुत सारे लोग इंडिया में भरे नहीं पड़े हैं जिनकी शादी हो गई है, लॉयल है, बच्चे बच्चे हो गए और रहे चले जा रहे हैं साथ में, इसको प्यार कहेंगे? कैन यू कॉल दैट एज ट्रू लव? सर आई थिंक ट्रू लव इज पॉसिबल बिकॉज वी हैव एन एग्जांपल लाइक ट्रू लव टर्न्स इनटू मैरिज. लेकिन उसके बाद और भी तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कि उसके बाद क्या होता है. या ट्रू लव टर्न्स इनटू मैरिज एंड देन मैरिज टर्न्स इनटू डिवोर्स. या सर और एंडलेस कॉन्फ्लिक्ट्स. Two person must have to keep their egos on side and go on their means proper communication. बड़ा अच्छा पॉइंट इन्होंने बोला, अगर आपने ध्यान से सुना है कि अगर दोनों जो लोग हैं वो अपने अपनी ईगो को साइड में रख दें फिर वहाँ पर रिलेशनशिप होना पॉसिबल है. अगर दोनों बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हैं तो क्या पॉसिबल है? नाउ वॉट इज ईगो? फॉर मी इट्स अबाउट फॉरगिवनेस. आप किसी को कितना फॉरगिव कर सकते हो, और ज़रूरी भी, अगर आप हर चीज़ को पाइल अप करते जाओगे तो आप ही हर्ट होगे हर चीज़ में. अभी जो उन्होंने बात कही बिल्कुल सही है, लेकिन ये बात किससे कनेक्टेड है? फॉरगिवनेस इज इट कनेक्टेड टू लव और टू अ रिलेशनशिप? एक रिलेशनशिप को अच्छा रखने के लिए क्या करना चाहिए, इसको डिफाइन कर देते हैं पहले. वहाँ पे रिस्पेक्ट होनी चाहिए. रिस्पेक्ट नहीं है तो रिलेशनशिप क्या है? वहाँ पे फॉरगिवनेस होनी चाहिए, वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को अंडरस्टैंड किया जाए, एक दूसरे को थोड़ा स्पेस दिया जाए ताकि सामने वाला सफोकेट ना हो, एक दूसरे पे ट्रस्ट होना चाहिए, लॉयल्टी होनी चाहिए. ये सब किसके लिए है? क्या इसका कनेक्शन लव से है? दोनों में फर्क देख पा रहे हो? एक रिलेशनशिप के सक्सेसफुल होने के लिए इन सब चीजों का होना जरूरी है, बट बात हो रही है लव की. चलो ये सब कुछ है जो भी हमने बात करी, एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी है, लॉयल्टी भी है, एक दूसरे को अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं, साथ भी रह रहे हैं मरते दम तक, दोनों ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी डिफाइन कर रखी है कि तुम्हारा डिपार्टमेंट है मेरा डिपार्टमेंट, जैसे अच्छी बिजनेस पार्टनरशिप में नहीं होता. इज इट लव? डू दे रियली वॉन्ट टू बी विद ईच अदर एज मच एज पॉसिबल? या फिर ये है कि दोनों के अपने अपने काम डिवाइड हो गए, जैसे दो बिजनेस पार्टनर्स होते हैं, तुम वहां का संभाल लो मैं यहाँ का संभाल लो, उसको लव कहेंगे? दोनों का अपना अपना फायदा है ना. रिलेशनशिप का मतलब क्या, वो एक सौदा है और होना भी चाहिए. रिलेशनशिप के कुछ रूल्स हैं जो डिफाइन किए जाते हैं म्यूचुअली, जिस पे दोनों एग्री कर जाएं और फिर उनको फॉलो किया जाता है, तभी वो रिलेशनशिप सक्सेसफुल होती है. अनकंडीशनल. इफ वी अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ट्रू लव एज अनकंडीशनल, कैन वी लव समबडी अनकंडीशनली? इफ यू से यस, अप टू व्हाट एक्सटेंट? आपके माँ बाप को आपके सामने को उल्टा बोल रहा है, कैन यू लव दैट पर्सन अनकंडीशनली? आपको मार रहा है, कैन यू लव दैट पर्सन अनकंडीशनली? आपसे बदतमीजी से बात कर रहा है, कैन यू लव दैट पर्सन अनकंडीशनली? सारे वो काम कर रहा है या कर रही है जो आपके हिसाब से गलत है, और चलो सिर्फ आपके हिसाब से नहीं सबके हिसाब से गलत है, जिस तरह की सोसाइटी में हम रह रहे हैं, क्योंकि आपका तो एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है ना, लीगली भी गलत है, चलो लीगली गलत नहीं है, मॉरली गलत है, एथिकली गलत है. कैन यू बी इन लव विद दैट पर्टिकुलर पर्सन?
इसका मतलब वी कांट लव समबडी अनकंडीशनली. तो जब हम नहीं कर सकते तो औरों से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? तो क्या जिसको हम लव समझते हैं वो लव है? व्हाट इज लव? लव मींस व्हेन यू आर वन विद द अदर. बीच में कोई सेपरेशन नहीं है, मतलब इस तरीके से जुड़ गए जहां पर अलग होने की पॉसिबिलिटी ही नहीं, गुंजाइश ही नहीं. क्या फिजिकल लेवल पे 24 घंटे आप जुड़े रह सकते हो? बट वहीं पर हम प्यार को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उसी को प्यार समझ रहे हैं. देखो कितना बड़ा ट्रैप है. फिजिकली किसी के साथ में जुड़े थोड़ी देर के लिए, कुछ अच्छा एक्सपीरियंस हो गया और हमको क्या लगना, प्यार है प्यार है प्यार है प्यार है, टट्टू प्यार है. किसी और से जुड़ जाओगे वहां अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा. सो व्हाट यू आर सेइंग इज अ फिजिकल रिलेशनशिप, अ फिजिकल कंपैटिबिलिटी विद ईच अदर, विच हैज गॉट नथिंग टू डू विद लव. माइंड के लेवल पे आप प्यार कर सकते हो किसी और से? यू आर सेइंग नो, बट यू आर लिविंग इन योर माइंड एंड बॉडी. और कौन सा लेवल है आपका? और कहीं जीते हो सुबह से रात तक? जीना मतलब क्या, और किसी के बारे में सोचते हो? और किसी लेवल के बारे में पता भी है हमको? तो जब पता ही नहीं तो हम जिएंगे कहाँ? हम कहाँ जीते हैं सुबह से रात तक? बॉडी के लेवल पे नहीं जीते हैं. अपने आप को शीशे में देखते रहते हैं, अपने आप को देखते हैं सामने वाले की नज़र से. सामने वाला अगर आपको देख करके कहते हैं वाह क्या लग रहे हो तो खुश हो जाते हो. सामने वाला देख करके नज़रों से ही बोलेगा नहीं, अपने मुँह से बोलेगा क्या फुद्दू लग रहा है, एकदम कॉन्शियस हो जाते हो. ऐसा होता है? नहीं होता है. तो कहाँ जी रहे हैं हम सुबह से रात तक? बॉडी के लेवल पे और माइंड के लेवल पे? कहीं और जी रहे हो? क्या यहाँ पर माइंड के लेवल पे किसी और के माइंड के साथ में पूरी तरह से जुड़ जाना पॉसिबल है? अच्छा, माइंड के लेवल पे किसी के साथ जुड़ जाना, माइंड क्या होता है? इंफॉर्मेशन. आपके अंदर कोई अलग इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, सामने वाले के अंदर कोई अलग इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, क्या वो जुड़ सकती है? पूरी तरह से एक हो सकती है? यानी कि जैसा आप सोच रहे हो वैसा ही वो सोच रही है, जैसा आप फील कर रहे हो जब जैसा फील कर रहे हो वैसा ही वो तब वैसा ही फील कर रही है. मतलब आप खुश हो तो वो भी खुश है, तभी तो कहेंगे जुड़े हुए हैं दोनों. थॉट का एक होना मतलब ये नहीं कि एक दूसरे को दिखा रहे हैं कि हाँ हम एक हैं, एक्चुअल में एक हो जाना इट्स नॉट पॉसिबल. इसी वजह से हमारी लाइफ की इतनी बुरी हालत हो जाती है. अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के साथ में हम किसी भी रिलेशनशिप में घुस जाते हैं. मेरी बातों को ऊपर ऊपर लेवल पर सुना, डीपली कभी समझा ही नहीं. लव मतलब अनकंडीशनल लव. अब आई लव दैट अदर पर्सन अनकंडीशनली और सब कुछ ठीक हो जाएगा. उसने कहा बढ़िया है, मेरे को तो सही गोचू मिल गई है, मुझे और क्या चाहिए. उसका पति आ गया, तुम्हें मेरे पे ट्रस्ट है ना? हाँ हाँ, संदीप बेचारे बोला था ट्रस्ट होना चाहिए. हाँ ट्रस्ट है. लव का मतलब ट्रस्ट. अच्छा, लव का मतलब अनकंडीशनल. हाँ अनकंडीशनल. तो क्या मैं गोवा जाऊँ अपनी इस पुरानी फ्रेंड के साथ में? हाँ हाँ जाओ ना, मेरे को पूरा ट्रस्ट है तुम्हारे ऊपर. वहाँ पे आप उनकी पिक्स को लाइक कर रहे हो, क्या कर रहे हो? दोनों साथ में तो बैठे नारियल पानी तो पी रहे हैं एक में से दो पाइप लगा करके, उसमें गलत क्या है? कितनी अच्छी पिक. वाओ, नेक्स्ट टाइम वी थ्री ऑफ अस विल गो टुगेदर विद थ्री स्ट्रॉज. रिलेशनशिप में प्रॉपरली डिफाइन करना जरूरी होता है. इस पर दोनों एग्री कर रहे हैं, लाइन ड्रॉ करनी जरूरी होती है. और एक बार एक बंदा या बंदी उस लाइन को क्रॉस करते हैं और उनको नहीं रोका जाए तो वो आगे बढ़ते चले जाते हैं, फिर सारी लाइंस क्रॉस हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल, किसी ने पहली बार आपके ऊपर हाथ उठाया तब आप उसको रोक सकते हो, बट अगर उसकी आदत बन जाए तो अब रोको. ये है रिलेशनशिप. व्हाट इज लव? लव मतलब सामने वाले को देखा टाइम रुक जाए, जब पहली बार देखा तब नहीं, 20 साल बाद भी, 30 साल बाद भी, उसने आपको देखा, आपने उसको देखा, गया टाइम. सर, आपने टाइम के लिए बोला, लाइक टाइम व्हेन वी सी ईच अदर देन वी लूज ट्रैक ऑफ टाइम, बट टॉकिंग ऑन द बेसिस ऑफ आवर लेवल ऑफ रिलेशनशिप, कीपिंग ट्रैक ऑफ टाइम इज वेरी नेसेसरी. सो एट दैट पॉइंट आई फील दैट लूजिंग ट्रैक ऑफ टाइम बिकम्स डिफिकल्ट इवन व्हेन वी वांट टू. आई एम नॉट सेइंग कि आप सामने वाले को देखे चले जा रहे हो और आपको पता लगा अरे 7 दिन हो गए, सामने वाली जो है उसकी दाढ़ी मुझे आ गई, मतलब ऐसा नहीं. सामने वाला नहीं वाली, इसी का कॉमेडी बोलते हैं. तो अब मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं. आई एम सेइंग डीपली यू फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग एल्स. जब आप उसके साथ में हो तो सब कुछ मीनिंगलेस हो जाता है, पैसा, करियर, सक्सेस. जब उसके साथ में हो तो यू आर नॉट 24 घंटे उसके साथ में हो. जब हो, जितनी देर के लिए भी हो, तो यू आर इन अ टाइमलेस स्टेट ड्यूरिंग दैट टाइम. एंड व्हाट इज टाइम? द टाइम दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, नॉट फिजिकल टाइम,
क्योंकि अगर आप वहाँ बैठे भी रहे एक दिन तक तो दाढ़ी अगर नहीं थी तो दाढ़ी आ जाएगी, लड़के की बात हो रही है तो नहीं, मैं वापस पॉइंट पे आता हूँ ना, हाँ तो आ जाएगी। तो फिजिकली तो टाइम आगे बढ़ रहा है, साइकोलॉजिकल टाइम, साइकोलॉजिकल टाइम मतलब क्या, साइकोलॉजिकल पास्ट, साइकोलॉजिकल फ्यूचर, एक्चुअल में कहीं भी नहीं है, साइकोलॉजिकल। वेयर थिंकिंग कम्स टू एन एंड, थॉट के लेवल पे वननेस में, बॉडी के लेवल पे वननेस में, और एक्चुअल में जो वननेस है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। बॉडी के लेवल पे कुछ देर के लिए एक हो जाते हैं, जब थॉट जीरो हो जाते हैं फिर वापस से कुछ देर बाद थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं, वो मैं वापस से पैदा हो जाता है जिसको ईगो बोलते हैं। मुझे लिखा हुआ है ना डिस्कवर योरसेल्फ, कभी सोचा है क्यों लिखा हुआ है ये? अपना जो डीपेस्ट लेवल है उसको देख लेते हो तो उस लेवल पे अब ये कोई थॉट नहीं है, रियलिटी है कि मेरे में और आप में या आप में कोई फर्क नहीं, मेरे में और उस पर्सन में जिसके साथ मैं रिलेशनशिप में हूं कोई फर्क नहीं। अब ईगो कहां है? ईगो मतलब क्या, मैं ये हूं तू वो है, दिस इज ईगो। जैसे अब मैं बोलूंगा बट आई एम नॉट श्योर आप कैसे देखोगे, जैसे अभी आप मुझे देख रहे हो तो आप मेरे को अपने से कैसे देख रहे हो, अलग अलग देख रहे हो, मैं यहां हूं आप वहां हो, क्या ये सच है झूठ है? एट द लेवल ऑफ बॉडी, एट अ फिजिकल लेवल आप और मैं अलग अलग है, एट द लेवल ऑफ माइंड क्या हम अलग अलग है या एक है? यानी मेरे अंदर जो इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है और आपके अंदर जो इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है क्या वो सेम है या अलग अलग है? अलग अलग है, ये सच है ना? ठीक है, इसके अलावा कोई और सच है या नहीं है? जैसे दो बल्ब दिख रहे हैं, इनमें हमको लग रहा है कि यहां से जो लाइट आ रही है वो अलग है, वहां से जो लाइट आ रही है वो अलग है, यहां पर इलेक्ट्रिसिटी अलग है वहां पे अलग है, क्या एक्चुअल में अलग है या लाइट लाइट है? बल्ब अलग अलग है, लाइट एक है, इलेक्ट्रिसिटी जो पीछे है वो एक है। ऐसे ही इस बॉडी में से जो देख रहा है या उस बॉडी में से जो देख रही है वो लग रहा है कि ये देख रहा है वो देख रही है, वहां पे ना कोई देखने वाला है ना देखने वाली, देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, फील किया जा रहा है, वो एक ही है। जब इस तरह से आप किसी को देखते हो नॉट थियोरेटिकली बट एक्चुअली, तो इस देखने को प्यार कहते हैं। यहां से नीचे गिरने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि बॉडी के लेवल पे हो सकता है अलग भी हो जाए, रिलेशनशिप हो सकता है खत्म भी हो जाए, लड़ाई झगड़े भी हो जाए, माइंड के लेवल पे हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो जाए, बट इस लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट होने का क्या तरीका है? सिर्फ इसी लेवल को जब आप एक्सपीरियंशियली नॉट थियोरेटिकली नॉट इंटेलेक्चुअली नॉट एट द लेवल ऑफ योर थॉट बट एक्सपीरियंशियली इन एवरी सिंगल मोमेंट ऑफ योर लाइफ आप इस वननेस को एक्सपीरियंस करो कि अभी जो कुछ आपके अंदर है, यानी ये जो इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है, ऐसा कुछ है अभी इसी मोमेंट में, है मतलब है जैसे मैं हूं ऐसे ही कुछ यहां पर अभी, जो यहां भी है वहां भी है, जो कल भी था आज भी है और कल भी रहने वाला है, जो सबका ग्राउंड है जिस पर ये सब कुछ टिका हुआ है, और इस सच को आप देख लो वो मुझसे अलग नहीं है, वो ही मैं हूं, वो ही तू है। जब ऐसी नजर एक्चुअल में आपकी हो जाती है तो वहां पर आप कभी भी सामने वाले से बोर नहीं हो सकते, इम्पॉसिबल। आप देखते हो सामने वाले को, उसको समझ आ जाता है, वो फील कर लेता है इसकी नजर अलग है, आपकी नजर में प्यार होता है, प्यार मतलब जुड़ाव, वहां पर प्यार मोहब्बत की बातें नहीं होती, एक्चुअल में प्यार होता है।